व्हाट्सएप एवरीबॉडी, आई एम नोवा रे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिल गेट्स की सबसे बड़ी गलती के बारे में, पर्सनली नहीं प्रोफेशनली सबसे बड़ी गलती के बारे में। बिल गेट्स कौन है इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि भाई आजकल अगर हम लोग हमारे कंप्यूटर में विंडोज चला पाते हैं, तरह तरह के काम कर पाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिल गेट्स की बदौलत। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रोफेशनली एक बहुत ही बड़ी गलती की है, जिसके बारे में कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना दबाना ये आपकी मर्जी है। दोस्तों हाल ही में उन्होंने मीडिया के सामने ये चीज कही कि भाई मेरी जिंदगी की प्रोफेशनली सबसे बड़ी गलती ये थी कि एंड्रॉयड के ऊपर गूगल को ज्यादा काम करने देना। जैसे कि आपको ही पता है कि भाई एंड्रॉयड जो है ये गूगल की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी है। अब दोस्तों यहां पर उन्होंने कहा कि भाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि गूगल को एंड्रॉयड के ऊपर ज्यादा काम करने देना। अब मैं आपको बता दूं कि भाई फोन्स की दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था वो लेकर आए थे एप्पल, आईफोन्स जो थे ये भाई फोन्स की दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट था वो भी इस रेस में आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज फोन बनाए। अब भाई विंडोज फोन जब मार्केट में आए तो लोगों को लगा कि भाई इसमें भी वही विंडो होगी जो कि हम लोग हमारे कंप्यूटर में यूज कर पाते हैं। लेकिन जब लोगों ने इस फोन को खरीदा तब उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो वो विंडो तो है नहीं, लेकिन इसमें तो कुछ और ही चीज है। हालांकि ये चीज इतनी मैटर नहीं करती थी, लेकिन यहां पर दोस्तों उसके बाद आ गए एंड्रॉयड फोन। अब यहां पर रेस जो थी वो लग गई थी एंड्रॉयड और विंडोज फोन के बीच में। हालांकि जो एप्पल था वो तो अपना काम आसानी से कर रहा था, क्योंकि एप्पल के साथ बहुत सारे लोग जो थे वो जुड़े हुए थे, लोगों को एप्पल पसंद आया। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता था कि भाई अगर एप्पल किसी को पसंद नहीं है तो उसके लिए उनके पास दूसरी चॉइस होनी चाहिए, जिसमें कि आ गए माइक्रोसॉफ्ट और एंड्रॉयड। अब इन दोनों के बीच में एक तरह की रेस ही समझो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो विंडोज फोन्स आए थे, हालांकि लोगों को उसमें विंडो जो थी वो कंप्यूटर की तरह देखने को नहीं मिली, उनको एक अलग तरह का थीम देखने को मिला, लेकिन उसकी वजह से फेल नहीं हुए ये लोग। आपको ही पता है कि भाई आजकल विंडोज फोन जो है वो टोटली फेल हो चुके हैं, उनके लिए कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। लेकिन ये सिर्फ इसकी वजह से फेल नहीं हुए कि जो विंडो हमें कंप्यूटर में देखने को मिलती है वो विंडो मोबाइल में देखने को हमें नहीं मिली। यहां पर रीजन और था, वो था एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। हालांकि अगर हम लोग एंड्रॉयड में देखें तो भाई हमें हर तरह की एप्लीकेशन उसमें देखने को मिल जाती है, यूट्यूब है, जीमेल है, हर तरह की एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड के लिए बनाई गई। लेकिन डेवलपर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज फोन थे, हालांकि नोकिया के विंडोज फोन थे, उनके लिए इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं बनाई। अब रीजन यहां पर यह था कि भाई एंड्रॉयड के लिए हम अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें फ्री में हम किसी भी तरह की एप्लीकेशन को डिजाइन कर पाते हैं, हमें एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ये सब चीजें जो है फ्री में मिल जाती हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो इनके जो विंडोज फोन थे उनमें ये चीज नहीं थी, उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। बहुत सारी ऐसी पॉपुलर गेम्स हैं जो कि सिर्फ एंड्रॉयड या आईओएस के लिए बनाई गई, लेकिन विंडोज फोन में हमें वो गेम्स देखने को नहीं मिली। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आईओएस में और एंड्रॉयड में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उनको विंडोज फोन के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति दुकान पर जाता था और विंडोज फोन खरीदने के बारे में बात करता था, वो हमेशा यही चीज पूछता था कि भाई ये वाली गेम इस फोन में चलेगी, क्या ये एप्लीकेशन इस फोन में चलेगी। लेकिन एंड्रॉयड और आईओएस इनके साथ ऐसा नहीं होता था, लोगों को पता था कि हाँ भाई ये दोनों, इन दोनों में ये चीजें चलेंगी। लेकिन विंडोज फोन खरीदते वक्त हमेशा हमारे दिमाग में यही चीज होती थी कि भाई क्या ये वाली एप्लीकेशन विंडोज फोन में चलेगी या नहीं चलेगी। बिल गेट्स ने इसके बारे में ये चीज कही कि हमने जो विंडोज फोन थे उनके लिए बेस्ट पर्सन नहीं लगाए, यानी कि जो लोग बेस्ट थे उनको इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने में उन्होंने नहीं लगाया, जिसकी वजह से कि आज विंडोज फोन जो है वो बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी अपडेट अब नहीं आ रही है। सो दोस्तों ये थी बिल गेट्स की सबसे बड़ी गलती। अब आपको इस गलती के बारे में क्या लगता है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।